हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। शेयर मार्केट में बहुत सारे बेशुमार शेयर्स लिस्ट है, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस कितना ऊपर है, कितना नीचे है, क्या उसकी बैलेंस शीट कहती है और कैसी कंपनी की अभी तक की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, ऐसे में एक अच्छा शेयर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज एक 8 रुपये का ऐसा पेनी शेयर लेके आया हूँ मैं FMCG सेक्टर का, जो आने वाले वक्त में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बना के दे सकता है अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया। उसकी वजह क्या है वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, और क्यों इस टाइम मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक में जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है तो उनको होल्डिंग्स बरकरार रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ आपको कौन सा ये शेयर है जो आने वाले वक्त में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। करंट प्राइस स्टॉक का 9.06 रुपए, आज ऑलमोस्ट 0.67% की ही तेजी देखने को मिली, जहां लास्ट क्लोजिंग 9 रुपए के आसपास देखने को मिली थी। इस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट भी अपने बाउंड वीक हाई को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, तो पॉजिटिव मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन इस टाइम एक साल बाद जो है ऑलमोस्ट आपको एक बीता जो समय है एक साल का उसमें बड़ी गिरावट हम देख पाए हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक अच्छा मौका है ऐसे स्टॉक्स को कवर करने का। 5 दिन के रिटर्न्स देखेंगे तो 0.55% तक के ही पॉजिटिव रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन 1 महीने के अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो 4% के आसपास तक की गिरावट जो है स्टॉक में हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर 500% के आसपास तक के रिटर्न्स एकदम से इन्वेस्टर्स को बना के भी दिए हैं। स्टॉक में ऑलमोस्ट जब स्टार्टिंग हुई थी स्टॉक की तो एकदम अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, स्टॉक ऑलमोस्ट 38 रुपए तक गया, उसके बाद वही स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको 5 रुपए के आसपास तक भी जाते हुए देखने को मिला, और अब वही स्टॉक जो है 20 रुपए की तेजी दिखाई बीच में और आप जो है ऑलमोस्ट 9 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। कंपनी का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है मिस्टान फूड्स। द कंपनी वॉज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन February 1981 सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड HCPL। द कंपनी इनिशियली वॉज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट। इन January 2015 सम ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स टुक ओवर द मैनेजमेंट एंड चेंज द नेम टू मिस्टान फूड्स लिमिटेड। इट इज एन एग्रो प्रोडक्ट कंपनी इन इंडिया इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ राइस व्हीट एंड अदर फूड ग्रेन्स विद इट्स प्रिलिमिनरी फोकस ऑन ब्रांडेड बासमती राइस। तो यानी कि अब जो कंपनी का काम है वो एग्रो प्रोडक्ट में आ चुकी है कंपनी, और 2015 से जो है इसमें कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करना या सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हर रोज बैंक निफ्टी निफ्टी की 1 से 2 डेमो कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और साथ ही साथ में आप लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्री मार्केट ओपनिंग न्यूज मिलेंगी और आप अपने डाउट्स भी मेरे से वहां पे पूछ सकते हैं। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ प्रीमियम बासमती राइस। एज ऑन 3 मई 2022 कंपनी लॉन्च रॉक साल्ट अंडर द ब्रांड नेम मिस्टान। तो एक लगातार कंपनी अपने आप को अच्छा जो है करती जा रही है। कस्टमर्स एंड रेवेन्यू कंसंट्रेशन की बात करूं, द कंपनी ड्राइव्स 100% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। यानी कि जितना भी रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है वो सारा का सारा इंडियन मार्केट से हमें देखने को मिल जाता है। और न्यू प्लान्स की बात करूं तो देखिए, कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस ऑन लीडिंग ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स टू फर्दर पेनिट्रेट इट्स प्रोडक्ट इनटू अर्बन पॉकेट्स। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है लगातार अपने आप को इंप्रूवमेंट करती जा रही है, और जो प्रेजेंस है अभी फिलहाल की उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाले प्लेटफॉर्म आने वाला जो टाइम है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का जो ऑनलाइन डिलीवरी का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं उस पर भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की जा रही है। बात अगर इसके मार्केट कैप की करूँ तो 906 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक PE 20.9 का है। बुक वैल्यू 1.23 रुपए की डिविडेंड भी पे आउट करती है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे कमाल की चीज है, 38.4% 36.7% रिटर्न ऑन इक्विटी। और किसी भी कंपनी का अगर ROCE और ROE 15% से अबव है, दो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें हैं टेक्निकल अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको जानने का, कि अगर ROCE और ROE किसी भी स्टॉक का 15% से ऊपर है तो आप ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल लॉन्ग टर्म तक कंसीडर करके चल सकते हैं। प्रोज की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ कमी एक देखने को मिल रही है, बाकी सारी अच्छाइयाँ हैं। रिड्यूस डेप्ट कर रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा मेंटेन कर रही है, CAGR लास्ट 5 ईयर्स का 80.5% है, और डिविडेंड भी अच्छा पे आउट करती हुई नजर आ रही है हमें ये कंपनी मिस्टान फूड्स। एंड PNL की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, ऑलमोस्ट जहाँ
मार्च 2017 में सिर्फ 7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो आज बढ़कर ऑलमोस्ट 72 करोड़ के आसपास तक का हो चुका है जून क्वार्टर के अंदर। तो कंपनी लगातार अपने आप को इंप्रूवमेंट करती जा रही है, अपनी परफॉर्मेंस में बैलेंस शीट मजबूत करती जा रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे लास्ट ईयर की ऑलमोस्ट 47%, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 310% देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ में बैलेंस शीट की बात करूँ तो रिजर्व कंपनी के पास ऑलमोस्ट 23 करोड़ के इस टाइम हमें देखने को मिल जाते हैं, जबकि बोरोइंग्स जो है वो ऑलमोस्ट 41 करोड़ की ही देखने को मिल जाती हैं। टोटल एसेट्स की बात करूँ तो 200 करोड़ के आसपास के एसेट्स है कंपनी के पास, मार्केट कैप 900 करोड़ का, रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही शानदार है। साथ ही साथ में प्रमोटर स्टेक ऑलमोस्ट 50%, पब्लिक स्टेक 50%, तो आप यहां पे कंसीडर करके जरूर चल सकते हैं ऐसे स्टॉक को, क्योंकि यहां पे इसकी जो परफॉर्मेंस रही है, बैलेंस शीट है, पीएनएल है, तो काफी कमाल की चीजें रही हैं और लगातार अपने आप को इंप्रूवमेंट जो है ये कंपनी करती जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में एक अच्छे रिटर्न्स और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू ये स्टॉक अपने आप को बना के दिखा पाए।